गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अनिल अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आपके नीट और आईआईटी के एग्जाम आने वाले हैं और मैं समझता हूं उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूं एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर 2-3 साल में एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, आइए शॉर्टकट ट्रिक्स के ऊपर मेरा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आकार का आकार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड रिटर्न्स टू वाई विद यूनिफॉर्म स्पीड v2। The average speed for this round trip is, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, a particle cover half of its total distance with speed v1 and the next half distance with speed v2, its average speed during complete journey is। Students, सोचिए इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर सोचें। इसका सॉल्यूशन मैं यहां बता देता हूं, जल्दी से सोचिए इसका आंसर। यस, हो गया। अब मैं चेक करता हूं। स्टूडेंट्स, जब भी एवरेज स्पीड निकालना है, जब भी एवरेज स्पीड निकालना है, मेरा फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरी बात समझ गए? यहां अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, तो हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। नीचे आएगा t1 प्लस t2, x बाय 2 प्लस x बाय 2, सॉल्व करेंगे x, t1 को लिखेंगे x अपॉन 2v1 प्लस x अपॉन 2v2। स्टूडेंट्स, यहां पर टाइम का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक्स कॉमन लिया, एलसीएम लिया, और हमारे पास आ जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस केस में दिस इज ए राइट आंसर, हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये, दिस इज ए राइट आंसर। तो इस केस में शॉर्टकट ट्रिक हमें याद रखनी है। अब जैसे इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास। ऑन ए 80 मीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारे पास v1 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो एज टू हैव एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना दे दिया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर स्पीड, ठीक है। वो कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल फॉर द नेक्स्ट 40 किलोमीटर, यानी इसका मतलब हमें v2 निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला वी एवरेज। हम यही फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, 40 = 2, v1 कितना है 30, v2 निकालना है, v1 प्लस v2, 30 प्लस v2, आप सॉल्व करोगे तो v2 कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा आंसर है बी, बी इज ए करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस देखें आप 40 किलोमीटर हाफ डिस्टेंस एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर हाफ डिस्टेंस, या फिर जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से और v1 वेलोसिटी से गया और v1 वेलोसिटी से वापस आ जाता है स्टूडेंट्स, या फिर वो किसी पाथ में v1 वेलोसिटी से गया और किसी पाथ के अलोंग v2 वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक हो जाता है, तब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने याद रखना है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर हो गया? लेकिन अगर डिस्टेंस की जगह क्वेश्चन आ जाए, अगर डिस्टेंस की जगह क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर थ्री
a particle moves with uniform speed v1 for half time, ये नोट करेंगे for half time, and with uniform speed v2 for next half time, its average speed during journey is. Students, formula वही average speed का formula, total distance upon total time. और टोटल डिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला v1 इंटू हाफ टाइम के लिए डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम v2 इंटू t बाय टू अपॉन t बाय टू प्लस t बाय टू. इस केस में हमारा आंसर आएगा v1 प्लस v2 बाय टू. v1 प्लस v2 बाय टू आंसर इज v1 प्लस v2 बाय टू. अगर इसकी जगह टाइम की जगह हाफ डिस्टेंस होता तब हमारा फॉर्मूला आता 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन हाफ टाइम है तो फॉर्मूला आएगा शॉर्टकट ट्रिक होगी v1 प्लस v2 बाय 2. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 फॉर टाइम t1 एंड विद यूनिफॉर्म स्पीड v2 फॉर टाइम t2. Its average speed during the journey is. Students, option A v1 plus v2 by 2, option B v1 t1 plus v2 t2 by v1 plus v2, option C v1 t2 plus v2 t1 upon v1 plus v2, option D v1 t1 plus v2 t2 upon t1 plus t2. बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. हाँ, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर हमारा जो ऑप्शन सही है डी. डी इज ए करेक्ट आंसर. डी इज ए करेक्ट आंसर. आप इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए वन फॉर टाइम टी वन एंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए टू फॉर टाइम टी टू. एवरेज एक्सेलरेशन इज ए वन प्लस ए टू बाई टू, a1 t1 plus a2 t2 upon a1 plus a2, c option 0, d option है a1 t1 plus a2 t2 upon t1 plus t2. सोचिए कौन सा आंसर आएगा. बिल्कुल सही, d is the correct answer. d is a correct answer. तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की. लेकिन आप इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके चले जिससे कि कम से कम टाइम में पूरी एफिशिएंसी के साथ आपका न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और 4 मार्क्स प्लस 4 ही रहे, माइनस 1 ना हो. स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमें काम स्पीड से करना है, एफिशिएंसी के साथ करना है और हमें सारे फॉर्मूले टिप्स होने चाहिए, याद होने चाहिए. उसके लिए हम एक अलग नोटबुक में सारे फॉर्मूले लिख भी सकते. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक बार. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना जिससे कि मैं आने वाला वीडियो और अच्छा और बेहतर बना पाऊं. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.